टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात चलाने लगी। 27 अगस्त का दिन बेहद खास होने वाला है, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बना यह प्रतिष्ठित पुल अटल पुज ओवर ब्रिज देश का पहला ब्रिज होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अद्भुत है लकड़ी और ग्रेनाइट से बना अटल ब्रिज। अटल ब्रिज का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मल्टी लेवल कार पार्किंग को फ्लावर पार्क से जोड़ेगा ये पुल। अटल ब्रिज कुल 300 मीटर लंबा और 14 मीटर है चौड़ा। नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर पैदल ही आ जा सकेंगे लोग। पिछले हफ्ते ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और उसी दिन अहमदाबाद के प्रतिष्ठित साबरमती रिवर फ्रंट ने भी एक दशक पूरा कर लिया है। पर्यटकों की चाहत को ध्यान में रखते हुए एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच अटल फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के साथ एक और आकर्षण जोड़ा गया है। ऐसे में साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ने वाले अटल फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत साबरमती नदी पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच 74,29,00,000 रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना पूर्ण कर ली गई है। अब लोग नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर पैदल ही आ जा सकेंगे। ये ब्रिज पूर्वी तट पर बनने वाली प्रदर्शनी सांस्कृतिक कला को फ्लावर गार्डन और वेस्ट बैंक के इवेंट ग्राउंड के बीच प्लाजा से जोड़ा जाएगा। पुल की बदौलत अहमदाबाद के लोग बिना ट्रैफिक के साबरमती नदी और रिवर फ्रंट का खूबसूरत माहौल के बीच आनंद ले सकेंगे। साथ ही ये पुल मल्टी लेवल कार पार्किंग और ईस्ट वेस्ट बैंक पर विभिन्न सार्वजनिक विकास प्रोजेक्ट को फ्लावर पार्क से जोड़ेगा। साथ ही ये इवेंट ग्राउंड के बीच प्लाजा से ईस्ट बैंक पर बनने वाले कला प्रदर्शनी केंद्र तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये पुल मल्टी लेवल कार पार्किंग और ईस्ट वेस्ट बैंक पर विभिन्न सार्वजनिक विकास प्रोजेक्ट को फ्लावर पार्क से जोड़ेगा। साथ ही ये इवेंट ग्राउंड के बीच प्लाजा से ईस्ट बैंक पर बनने वाला कला प्रदर्शनी तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। डायनेमिक लाइट्स ब्रिज को बेहद आकर्षक रूप देती है। रात के समय ठंडी हवाओं और चाय की चुस्कियों के साथ आप नदी के मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।